नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। लव जिहाद पर, हिंदुओं की हत्या पर आज देश में भारी गुस्सा है। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद फिर से दिल्ली में एक बड़ा अपराध हुआ है। लव जिहाद के मामले में एक बेटी को पत्थरों से कूच कर मार दिया गया और ये वारदातें इस समय केजरीवाल सरकार के राज्य में हो रही हैं। केजरीवाल सरकार खामोश है, शांत है, लेकिन वो शांत है, वो खामोश है, लेकिन गुस्सा जो है हिंदुस्तान के हर हिंदू के मन में है, साधु संतों के मन में है। आज इन्हीं साधु संतों में से एक बड़े संत ने केजरीवाल पर जमकर तांडव किया है, सबको खड़ी कोटी सुनाई है। हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है उसे देखिए इस स्पेशल वीडियो में। ये अयोध्या के संत हनुमानगढ़ी के महाराज राजूदास जी हैं, देखिए इनका स्पेशल वीडियो। देश में बढ़ते लव जिहाद दुर्भाग्यपूर्ण है और देखिए नया अभी तत्काल में दिल्ली का प्रकरण है, जो केजरीवाल सरकार लगातार पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बात होता है तो आगे आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उनके नाक के नीचे एक हिंदू बहन की हत्या कर दी जाती है हथौड़े से मारकर एक मुस्लिम लड़के के द्वारा। ये दुर्भाग्यपूर्ण, इसके नाते दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं पर भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लव जिहाद का बढ़ता हुआ प्रकरण, इसमें हिंदू बहनों को सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिल्ली का है। शादी से इनकार करने के बाद हथौड़े से पीट पीट कर उस हिंदू बहन की वो मुस्लिम नौजवान ने हत्या कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, और जितना इसकी निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि देखिए हमारी बहनें विश्वास इस प्रकार से कर जाती हैं और उनको धोखा मिलता है। लव जिहाद प्रकरण एक पी प्लानिंग है, जो धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, बड़े बड़े जो मस्जिद के धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, वहां पर यह पी प्लान के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले नाम बदलकर लड़कियों को बाला फुसला कर और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको शादी के लिए उत्साहित किया जाता है, परेशान किया जाता है, टारगेट करते हैं, अगर वो नहीं करती है तो ये देखिए जिस प्रकार दिल्ली में हत्या कर दिया गया। और भी तमाम जगह देश का ऐसा प्रकरण है, वहां पर भी ऐसा होता है। जिस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सशक्त कानून बनाया है, उसी प्रकार अन्य राज्य में भी ऐसे कानून बनना चाहिए जिससे ऐसे मामले में रोका जा सके और ऐसे मामले में और तेजी से कार्रवाई हो सके। आपने देखा यह वीडियो, इस वीडियो में राजूदास जी कह रहे हैं कि रिंकू शर्मा की हत्या के बाद या किसी भी बहन बेटी की हत्या के बाद केजरीवाल सरकार शांत रहती है, चुप रहती है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन कानूनों पर कड़ा प्रावधान बना रखा है। जो भी ऐसी वारदातें करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार माफ नहीं करती है। कानून कड़े होने चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए, तभी अपराध रुकेगा। खासकर जिस प्रकार से हिंदुओं की मौत पर, हिंदू बहन बेटियों की मौत पर, उनकी आबरू पर जिस प्रकार से विपक्ष राजनीति करता है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। मौत मौत होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन केजरीवाल सरकार जब कोई हिंदू मारा जाता है, हिंदू की मौत होती है, तो केजरीवाल सरकार की जुबान जो है वो चिपक जाती है। लेकिन कहीं गलती से किसी मुसलमान की मौत हो जाए तो केजरीवाल अपनी छाती पीटने लगता है, सर पीटने लगता है, सरकार को कोसने लगता है। और यही नहीं, उन मुसलमानों के घर जाकर उनको शहीद का दर्जा देता है, 50-50 लाख रुपए की रकम देता है, घर में किसी एक सदस्य को नौकरी देता है, लेकिन वही हिंदू परिवार के घर नहीं जाता, उनका हालचाल नहीं लेता,
अगर उनके परिवार का सदस्य कोई जाता भी है तो कहता है कि हम इस मामले को नहीं देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अरे केजरीवाल, ये जो राजनीति तुम हिंदुस्तान में कर रहे हो, बहुसंख्यक हिंदुस्तान में कर रहे हो, ये राजनीति चलने वाली नहीं है। ये देश हिंदुओं से बना है, मुसलमानों से बना है, सिख से बना है, ईसाई से बना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के रहने का हक इस देश में है, जीने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से आप अपने राज्य में, अपनी सरकार में हिंदुओं का हक छीन रहे हो, ये बहुत ही गलत है। हिंदुस्तान अगर करवट लेगा, अगर हिंदू करवट लेगा, तो आपका तख्तोताज पलट सकता है। हिंदुओं ने करवट लिया है तो कई सरकारों के तख्तोताज पलट गए हैं। कई सरकारें जो काफी सालों से, काफी वर्षों से इस देश पर राज कर रही थी, वो आज गायब हो गई हैं। अगर हिंदुओं ने दिल्ली में करवट ले लिया तो आपकी सरकार भी किसी गुमनामी अंधेरे में डूब जाएगी, फिर उसे रोशनी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए केजरीवाल सरकार, हिंदुओं के साथ बर्बरता, दोगलापन की कार्रवाई बंद करिए। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।